वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए, ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या है? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना, वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे, तोड़ने का काम कर रहे। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है, और ये अगर उनको, अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है, मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी, और ये उसके मांग बन के बैठेंगे। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार तीन दिन से कांग्रेस के अभ्यर्थ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं, वे नाल पीले बनने जा रहे हैं मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति पहले है, और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं।